हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग, बड़े मैचिंग से लगते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम होगा। ग्रोथ का मतलब ही होता है बढ़ना, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब ही होता है बढ़ना। दोनों में फर्क क्या है? सुनने में दोनों सेम लगते हैं, दोनों का मीनिंग भी बराबर लगता है, बट फिर भी इसके बावजूद भी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसी डिफरेंस को आज इस लेक्चर में क्लियरिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब होता है बदलना। अब ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो आप। आपने बहुत देर पहले एक सिटी को विजिट किया था, तब उस सिटी की पॉपुलेशन थी 1 लाख। कोई एक एक्स सिटी मान के चलो आप। 10 साल पहले उसकी पॉपुलेशन 1 लाख थी। 10 साल के बाद आपने जब विजिट किया तो शहर का पूरा नक्शा बदल गया हुआ था। वहां पर बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बन गई हुई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई हुई थी, वहां पर नई नई सड़कें डेवलप हो गई हुई थी, नई कॉलोनीज बन गई हुई थी, फैक्ट्रीज लग चुकी थी वहां पर। जो सड़कों का साइज था वो और चौड़ा हो चुका था, पूरा एकदम उसका मैपिंग बदल गई हुई थी, उसका साइज बढ़ गया हुआ था। तो 10 साल की गैप के बाद जब आप गए तो आपको कुछ वहां पर बदलाव दिखे ना। तो जितने सारे भी बदलाव आपको दिखते हैं, या फिर आप एक एग्जाम्पल और देखो, आपने किसी एक शहर को विजिट किया था 10 साल पहले, बहुत बड़ा शहर था वो, बट जब 10 साल के बाद आप उस शहर में वापस गए तो आपने क्या देखा कि उस शहर का साइज बहुत कम हो गया हुआ था। इन 10 सालों के गैप के दौरान वहां पर एक सुनामी आई, एक तूफान आया। उस सुनामी में आधा शहर जो था वो बह गया समुद्र में, और बाकी जो बची खुची बिल्डिंग्स बची हुई थी उनके कुछ अवशेष आपको वहां पर दिख रहे थे। तो आपने दो सिटीज को विजिट किया, एक का साइज बढ़ गया हुआ था और वहीं एक सिटी का साइज जो था वो घट गया हुआ था। वहां की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो और ज्यादा बेकार हो गई हुई थी। रिसेंट आपने न्यूज में सुना होगा, लेबनान की कैपिटल है बैरियट, बैरियट में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन हुआ था अभी पीछे, ठीक है, 1-1.5 साल पहले की बात है। उस एक्सप्लोजन ने ना पूरे शहर को तबाह करके रख दिया था। तो जिस इंसान ने एक्सप्लोजन से पहले उस शहर को देखा होगा और एक्सप्लोजन के बाद जिसने देखा होगा, तो ह्यूज डिफरेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि बदलाव होना इज ग्रोथ, चाहे वो अच्छा बदलाव है, पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, ग्रोथ तो ग्रोथ है। मतलब जो बदलाव आ रहे हैं हम उसको ग्रोथ कहते हैं। तो चाहे पॉजिटिव बदलाव आए, चाहे नेगेटिव बदलाव आए, चाहे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो, चाहे उसमें कुछ लॉस हो, दोनों तरह के बदलाव को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, तो जब हम सेंसस करते हैं 10 सालों के बाद, कुछ से कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ती है, कुछ की घटती है, कुछ की कांस्टेंट रहती है। अब बढ़े या घटे या कांस्टेंट रहे, 10 सालों के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास ग्रोथ है, ठीक है। जो रिपोर्ट 10 साल के बाद पब्लिश करते हैं वो रिपोर्ट हमारे लिए ग्रोथ है। भैया पॉपुलेशन में इतनी ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव हुई है, तो ग्रोथ का मतलब बदलाव आना। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सीधा मतलब है पॉजिटिव ग्रोथ। बदलाव तो हो बट कैसा हो, सिर्फ पॉजिटिव बदलाव को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी शहर में आप 10 साल पहले गए थे और 10 साल के बाद जाते हो, तो वहां की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, वहां की बिल्डिंग्स का स्टाइल भी अच्छा हो जाता है, रोड्स की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाती है, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है, वहां पर एयरपोर्ट बन जाता है, वहां पर एक मिनी सेक्ट्रेट बन जाता है, वहां पर जो पहले तहसील हुआ करती थी अब वहां पर सब डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, वहां पर अच्छे लेवल के कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है वहां पर, ठीक है। सोलर पैनल्स लग जाते हैं जिससे पूरी शहर की जो लाइटिंग है वो एकदम सस्टेनेबल तरीके में चलती है। तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि 10 साल के बाद जो पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो चेंज आ रहा है, पहले जो मैक्सिमम लोग बेचारे माइंस में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, अब वो सर्विसेज करते हैं, अब वो एकदम कंफर्टेबल ऑफिसेज के अंदर बैठ करके ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी बदलाव आता है, उनकी इनकम बढ़ गई है। तो ये सारे बदलाव जो पॉजिटिव हैं, जिनसे एकदम क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो ये पॉजिटिव बदलाव जो है इनको डेवलपमेंट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और देखो, अगर आपने किसी शहर में विजिट किया 10 साल पहले, 10 साल के बाद आप वहां पर गए तो वहां की हालत खराब हो चुकी थी, वहां पर कोई बाढ़ आई, कोई फ्लड आया, उसने पूरी बिल्डिंग्स को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, एकदम रेत भर गया वहां पर, पूरा पूरे शहर को तबाह कर दिया, वहां की जो कॉलोनीज थी, जो बिल्डिंग्स थी,
सब खत्म हो गया, उसकी पॉपुलेशन आधी खत्म हो गई, बीमारी फैल गई, लोगों का हेल्थ खत्म हो गया, पॉपुलेशन कम हो गई, जो हॉस्पिटल थे वो खत्म हो गए। तो ये जो खराब कंडीशन वाली जो बदलाव है इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ ग्रोथ है बस, ये डेवलपमेंट नहीं है। तो दोनों को जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको तब समझ आएगी कि ग्रोथ का तो मतलब है कि टाइम के साथ बदलाव आना, कैसा भी बदलाव हो दैट इज ग्रोथ। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही काउंट किया जाता है। अगर कुछ इंप्रूव हो रहा है तो इट मीन्स वी आर डेवलपिंग, अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो हम डेवलप नहीं कर रहे हैं भैया, हम उसी स्टेज पर हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।